खड़गे ने गंगा जल पर 18% GST पर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए इसे लूट व पाखंड की पराकाष्ठा बताया। हरियाणा का एक और IAS अधिकारी गिरफ्तार, 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। इंडियन रेलवेज का होगा कायापलट, पुष्पुल लोको की पहली तस्वीर आई सामने। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% बढ़ादा तो खाते में आएंगे 9,104 रुपए, समझे गणित। मिस्र में मकबरे के अंदर मिला 5,000 साल पुरानी शराब का भंडार, साइंटिस्ट्स ने किया चौंकाने वाला दावा। आर्मी और BSNL ने मिल्क कार दिखाया ये बड़ा कारनामा, अब सैनिकों को मिलेगी बेहतर मोबाइल और इंटरनेट सेवा। जदयू को फिर लगा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने छोड़ी पार्टी। निर्मला ब्राजील के अर्थव्यवस्था मंत्री से मिली, जलवायु वित्त और MDB को मजबूत करने पर चर्चा की। YS शर्मिला की पार्टी तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देश की सभी मस्जिदों के संगठन ऑल इंडिया राबता मस्जिद AIRN ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नाम पैगंबर के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने का फैसला किया है।